राम मंदिर बना, राम मंदिर बनारस में बना, पूरा भारत माता की जय जयकार हो रही है। बिल्कुल भारत माता की जय जयकार, कुछ हुआ बिल्कुल भारत। आप जो हमारे पास हो तो आप बताइए, वही हम चले। हम आपके प्रश्न, हम आपके प्रश्न से ही जवाब ले, प्रश्न पूछ रहे हैं हम आपके। हम आप देखिए, आप देखिए प्रश्न को घुमा रहे हैं। चार आइएगा अवालापुर, हम 1,05,000 रोड से लीड करेंगे। क्या बात करते हैं, हम जमीन पे काम करते हैं, हम बाइट देने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, हम बता रहे हैं, आरोप लोग लीजिए, आप बोल लीजिए, आप पूरा बोल लीजिए, लेकिन 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 जो, अरे भाई साहब से हम पूछेंगे, भाई साहब से हम बिल्कुल, अरे हम आपने जो प्रश्न किया नेताजी, हम उसी पे कहेंगे। आपने अभी बोला कि जो वो स्थानीय मुद्दा था, इस वो बीजेपी एल, सुनिए कि वो केंद्र, सुनिए नहीं, पहले मेरी आप बात, आप हाँ, एक अभी आपने नगर पंचायत शब्द यूज किया, तो बस लगभग एक साल हम पहले जाते हैं, दो नगर पंचायत नवसृजित हुई है, जहांगीरगंज राज सुल्तानपुर, बीजेपी को यहाँ की जनता ने वोट जिताया क्यों नहीं किसी प्रत्याशी को? वो देख, बड़ा अनुभव है, तो सपा को यहाँ से बता दीजिए, सपा को यहाँ पप्पू निषाद जी कितने वोटों से वोट पा रहे हैं, फिर आप बता रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ 1,05,000 जो भाई साहब ने कहा प्लस करके, मैं उतना प्लस करके उनको अगर यहाँ से आलापुर से ना हराया तो 4 जून को आप फिर परिणाम में टीवी पर देख लीजिए। और अल्पसंख्यक समुदाय लाभ तो मुझसे लेता है, योगी की और मोदी की जितनी भी योजना आ रही है, सब 70% दलित अल्पसंख्यक पहले कतार में लाभ ले रहा है, लेकिन अगर वोटिंग करनी होती है तो 1% 2% आते हैं सिर्फ कहने के लिए, बाकी 99% हमसे विपरीत जाते हैं। 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा उसमें भी हमारा है। जो वर्तमान सपा के विधायक हैं वह पहले अपने गिरेबान में झांके, कि उन्होंने वह पहले भी रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, अंबेडकर नगर के सांसद रहे हैं और यहां के विधायक भी रहे हैं, उनका कोई काम नहीं दिखेगा उनसे, क्योंकि स्थानीय ही लोग केंद्र में सरकार बनाएंगे, यहां के सांसद को बनाएंगे, बिल्कुल ये मुद्दा ही है एकदम। 25 मई को चुनाव, भैया मान्यवर यहाँ पे रैली अभी नहीं है, भाई साहब से क्या, जो सपा वाले आरोप लगाते हैं, ठीक है, और विशेषकर आलापुर में, कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक जी हैं आरोप लगाते रहते हैं कि जो यहाँ के पूर्व विधायिका थी, ठीक है, और जो वर्तमान सरकार है, ये आलापुर की जनता के लिए कुछ नहीं किया है, यह सरासर गलत आरोप है। जो वर्तमान सपा के विधायक हैं वह पहले अपने गिरेबान में झांके, कि उन्होंने वह पहले भी रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, अंबेडकर नगर के सांसद रहे हैं और यहां के विधायक भी रहे हैं, उनका कोई काम नहीं दिखेगा उनसे, बहुत ज़्यादा उनसे 2 गुना काम हमारे माननीय पूर्व विधायक अनीता कमल का दिखेगा और हमारी सरकार का भी दिख रहा है। जनता मन बना चुकी है, अभी आप बात भी कर रहे थे भाई साहब कि कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, जनता मन बना चुकी है, और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारी सरकार जो प्रदेश में चल रही है और केंद्र में चल रही है, जो हमारी पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के का सिद्धांत रहा है एकात्म मानववाद का, कि हमारी सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति स्थित है, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के, हम लोग इसी नगर पंचायत में रहते हैं, कोई बता नहीं सकता कितने आवास बन चुके हैं, और क्या विधायक जी की कोई बात करेगा। हमारे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल ये नियम निकाला था कि अपने निधि से आयुष्मान कार्ड तो हमारी सरकार ने दिया ही है, कि स्पेशल निधि से 5 लाख से लेके 0 से लेके 25 लाख तक निधि में मरीज को दिया जाए। हम लोग कार्यकर्ता हैं, अनीता कमल से यहाँ तमाम कार्यकर्ता हैं। चलिए चलिए चलिए, आपने अभी आपने बने हैं, तमाम योजनाएं आई हैं, तो एक प्रश्न, हाँ, एक अभी आपने नगर पंचायत शब्द यूज किया, तो बस लगभग एक साल हम पहले जाते हैं, दो नगर पंचायत नवसृजित हुई है, जहांगीरगंज राज सुल्तानपुर, बीजेपी को यहाँ की जनता ने वोट जिताया क्यों नहीं किसी प्रत्याशी को? वो देखिए, जनता यहाँ सब कुछ जानती है, वह स्थानीय मुद्दों की बात
थी उस पे नहीं जानना चाहिए, यह हमारे राष्ट्रीय बिल्कुल, क्योंकि स्थानीय ही लोग केंद्र में सरकार बनाएंगे, यहाँ के सांसद को बनाएंगे, बिल्कुल ये मुद्दा ही है, एकदम अलग है। यहाँ की जनता बहुत ही बुद्धिजीवी जनता है, यहाँ आलापुर की जनता वह जानती। अच्छा, इसका इसका मतलब आपके कहने इसका मतलब कहने का है इसका मतलब कहने का है कि स्थानीय लोग ये जानते हैं कि स्थानीय जो समस्या है वो बीजेपी को, बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। बीजेपी के प्रत्याशी जब तभी सॉल्व करेंगे जो हमारी केंद्र और प्रदेश में सरकार होगी और तमाम समस्याएं हमने सॉल्व किया है, नीचे से ऊपर तक जनता देख रही है। अरे एक साल राम मंदिर बना, राम मंदिर बना, पूरा भारत माता की जय जयकार हो रही है, बिल्कुल भारत माता की जय जयकार, कुछ हुआ बिल्कुल भारत। आप जो हमारे पास हो तो आप बताइए, वहीं हम चले। हम आपके प्रश्न, हम आपके प्रश्न से ही जवाब ले, प्रश्न पूछ रहे हैं हम आपके, हम आप देखिए, आप देखिए प्रश्न को घुमा रहे हैं। चार आइएगा अवालापुर, हम 1,05,000 रोड से लीड करेंगे, क्या बात करते हैं। हम जमीन पे काम करते हैं, हम बाइट देने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, हम बता रहे हैं, आरोप लोग लीजिए, आप बोल लीजिए, आप पूरा बोल लीजिए, लेकिन जो, अरे भाई साहब से हम पूछेंगे, भाई साहब से हम बिल्कुल, अरे हम आपने जो प्रश्न किया नेताजी, हम उसी पे कहेंगे। आपने आपने अभी बोला कि जो वो स्थानीय मुद्दा था, इस वो बीजेपी, सुनिए कि वो केंद्र, सुनिए नहीं, पहले मेरी आप बात, आप बताइए ना, आप बोलिए, आप बोलिए, हमारा हमारा नगर पंचायत के बारे में क्या जानते हैं, नगर पंचायत में कितने वोट हैं, सामाजिक समीकरण क्या है, हम बता रहे हैं। नगर पंचायत का सामाजिक समीकरण यहाँ क्या है, कैसा है, आपको यह जानना पड़ेगा। उन परिस्थितियों में थोड़ा सा चूक रही और जनता पश्चाताप भी कर रही है। आज ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही यहाँ नगर पंचायत में योजनाओं का लाभ हम ही भाजपा के लोग दिलवा रहे हैं, ना कि जो जिला पंच, जो बसपा के चेयरमैन निर्वाचित हुई हैं। आकंठ भ्रष्टाचार में लोग डूबे हुए हैं, हम भाजपा के कार्यकर्ता अपनी सरकारी योजनाओं का लाभ पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में दिलवा रहे हैं, आप पता कर लीजिए भाई साहब। नहीं, हम आप, और जनता नहीं इसको मान रही है कि आज हमने गलत किया कि भाजपा का प्रतिनिधि नहीं चुना। हम आ रहे हैं, हम ठीक है, रुक जाए, यही जो आपने प्रश्न किया, जो आपने प्रश्न बोला वही, अरे रुक जाइए चाचा, काहे जो आपने प्रश्न, भाई साहब भैया बड़े, अरे ठीक है, जो आपने प्रश्न किया बिल्कुल, आप जो, हाँ हम बिल्कुल, आप थोड़ा सा अपना परिचय जो हमारे दर्शक आपको नहीं जानते होंगे। भाजपा का मंडल अध्यक्ष भगवान पांडे, मंडल गोविंद साहब के नाम से 279 आलापुर विधानसभा है। और बड़े भाई साहब ने अभी कहा, लोकसभा पे चर्चा हो रही थी, भाई साहब ने नगर पंचायत का जिक्र किया, हमने कहा लगभग एक साल पहले जाइए, ठीक है, नौ सृजित नगर पंचायत हुए, जहांगीरगंज, राजे सुल्तानपुर, लेकिन और कह रहे हैं कि बहुत भारी मतों से आलापुर की जनता प्रवीण निषाद जी को सांसद बना रही है। ठीक है, वो जनता का मत है, उनका वोट है, उनका अधिकार है। हमने बड़े भाई साहब से पूछा कि अगर आप यही कह रहे हैं तो दो नौ सृजित नगर पंचायत हुई है, एक राय सुल्तानपुर में निर्दलीय विधायक हुए हैं, एक यहाँ से BSP के विधायिका हुई है, सॉरी चेयरमैन हुई है, माफ़ी चाहते हैं, चेयरमैन हुई है। तो हाँ, तो भाई साहब ने कहा कि वो जमीनी मुद्दा है, बोल सकते हैं या लोकल चीज़ है या लोकल यहाँ की जनता का निर्णय था, तो यहाँ की लोकल जनता ही तो केंद्र में सरकार बनाएगी, यहाँ के सांसद जी बनाएगी, इस पर आप क्या कहेंगे? महापौर कितने जीते हैं, वो किसके किस दल के रहे हैं? हम लोकसभा संत कबीर नगर में और इस समय आलापुर में है। थोड़ा सा प्रतिमन जो मेरे यहाँ नगर पंचायतों का हुआ है जी, उसमें चाहे वो हमारे सरकार, हमारे विधायक की समझिए या हम लोगों की कमी रही, हम लोग उस पर थोड़ा सा केयर नहीं किए, वो थोड़ा सा हमसे विपरीत स्थिति में हो गया वहाँ। अब हमको चुनाव नहीं कहना चाहिए, लेकिन स्थिति यह है कि थोड़ा सा अल्पसंख्यक समुदाय का वहाँ भागीदारी बढ़ गया, हम प्रतिमन होते समय उस पर हम केयर नहीं किए, ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सा हमको, नगर पंचायत तो हमने ही बनवाई, मेरी ही सरकार ने बनाया, मैंने ही उसको लाऊ सारी व्यवस्था, लेकिन थोड़ा सा अल्पसंख्यक समुदाय का वहाँ भागीदारी बढ़ गया, और अल्पसंख्यक समुदाय लाभ तो मुझसे लेता है, योगी की और मोदी की जितनी भी योजना आ रही है, सब 70% दलित और अल्पसंख्यक पहले कतार में लाभ ले रहा है, लेकिन अगर वोटिंग करनी होती है तो 1% 2% आते हैं सिर्फ कहने के लिए, बाकी 99% हमसे विपरीत जाते हैं, ये हमको नहीं कहना चाहिए, हमसे अलग जाते हैं, लेकिन लाभ
मेरी सरकार में जितना सुरक्षित और जितना सम्मान जितना लाभ उनको मिला है आधार में कोई नहीं पाया। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं माननीय, आप कह रहे हैं कि जो और अदर कास्ट के लोग हैं लाभ बीजेपी से ले रहे हैं, लेकिन वोट बीजेपी को 1-2% जनता दे रही है और लोग नहीं दे रहे हैं। अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूँ, अल्पसंख्यक की हम बात करते हैं, 2% मेरे साथ आते हैं और लाभ 99% लेते हैं मेरी सरकार का। अच्छा। सबसे ज्यादा राशन, अगर राशन यदि जाता है तो उनके ही परिवार में जाता है, तो बहुत बड़ी समस्या है माननीय। समस्या नहीं है तो आप लोग कैसे, क्योंकि समस्या नहीं है, समाधान है, हम दे रहे हैं। हो सकता है उनको कभी सुध लौटे कि हम किसका कार है उसका कार है। सुरक्षित यदि है तो मेरी ही सरकार में सुरक्षित है, आज तक कोई दंगा नहीं हुआ। मैंने सुरक्षा भी दिया, सम्मान भी दिया और सुशासन भी दिया, मैं सब कुछ दे रहा हूँ। हो सकता है उनके कभी सुधार आ जाए उनमें। 25 मई को चुनाव, भैया मान्यवर यहाँ पे रैली अभी नहीं है, भाई साहब से बात कर रहे हैं, 25 मई को चुनाव है, कितना जल्दी आप उन लोगों को कन्वर्ट करने के लिए क्या तकनीक अपना रहे हैं? मेरे पास मोस्ट बैकवर्ड ब्राह्मण ठाकुर छत्री और ये बनिया ये ग्रुप तो मेरे साथ आई है कुर्मी, लेकिन मोस्ट बैकवर्ड मेरे साथ है, 99% मेरे साथ मोस्ट बैकवर्ड है। अच्छा। हम 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा उसमें भी हमारा है। अच्छा। मैं इस तरह पे काम कर रहा हूँ, मैं जमीनी धकीकत धरातल पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं धरातल पे चल रहा हूँ, मेरा इतना लंबा समूह है, संगठन है, मैं एक एक वोटर को टच करके मैं बता दूंगा कौन वोट मेरा है, कौन वोट दूसरे का, कौन वोट बाहर है, इतने तक कि हम लोगों ने अपना संगठन तैयार कर लिया। बड़ा अनुभव है, तो सपा को यहाँ से बता दीजिए, सपा को यहाँ पप्पू निषाद जी कितने वोटों से वोट पा रहे हैं, फिर आप बता रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ 1,55,000 जो भाई साहब ने कहा प्लस करके, मैं उतना प्लस करके उनको अगर यहाँ से आलापुर से ना हराया तो 4 जून को आप फिर परिणाम में टीवी पर देख लीजिएगा।